हेलो एवरीवन सो वेलकम बैक टू माय नेम इज न्यूक्रथ माई ने म्यूजिक स्वीडियो विल बी डिस्कसिंग वन ऑफ द फेमस प्रॉब्लम व्हिच इज डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री फाइन सो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री तो यार बाइनरी ट्री जो होती है दैट कैन बी डिफाइंड एज द लॉन्गेस्ट पाथ इन अ बाइनरी ट्री बिटवीन टू एंड नोड्स नो व्हाट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड नोड्स यू कैन कंसीडर दैट लीफ नोड्स राइट मींस जो लॉन्गेस्ट पाथ अवेलेबल होगा बाइनरी ट्री के अंदर बिटवीन द टू लीफ नोड्स ठीक है उसको कहेंगे हम डायमीटर ऑफ द बाइनरी ट्री जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इस केस में अगर मैं दिखाऊं तो जो डायमीटर है ट्री की दैट इज़ बिटवीन दी नोड नंबर सिक्स एंड नोड नंबर टू ठीक है तो ये पाथ जो आपको दिखाई दे रहा है ये पाथ जो आपको दिखाई दे रहा है दिस पाथ दिस पाथ कैन बी कंसिडर एज डायमीटर ऑफ द बाइनरी ट्री तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो डायमीटर आ जाएगी ट्री की दैट वुड बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो डायमीटर होगी इस केस में सिक्स ठीक है तो बेसिकली जो ये रूट नोड है जस्ट फोकस ऑन दिस रूट नोड तो जो रूट नोड है आपके पास थ्री अगर तुम इसकी लेफ्ट हाइट निकाल लो राइट हाइट निकाल लो ठीक है आपके दिमाग में आ रही होगी ये चीज़ कि ठीक है ये जो रूट नोड है थ्री इसकी लेफ्ट इसकी लेफ्ट हाइट निकालो इसकी राइट right हाइट निकालो देखो हाइट निकालना मीन्स बहुत आसान है ठीक है मीन्स अगर तुम किसी रूट नोड पे हो तो उसकी हाइट निकाल सकते हो ठीक है आप लेफ्ट पे कॉल कर दो राइट right पे कॉल दो और राइट right पे कॉल कर दो और जो भी मैक्सिमम होगा वो हाइट हो जाती है बट इसमें मैक्सिमम तो निकालना नहीं इसमें क्या करना है लाइट लेफ्ट साइड से हाइट कैलकुलेट करो थ्री के राइट right साइड का जो सब ट्री है उसकी हाइट कैलकुलेट करो एंड uh, दोनों को प्लस कर दो और फिर रूट नोड को एक प्लस कर दो जैसे कि फॉर एक्जाम्पल अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इस थ्री के जो लेफ्ट साइड की जो हाइट आएगी इस लेफ्ट ट्री की जो हाइट आएगी दैट वुड बी टू हाइट बोले तो नंबर ऑफ नोट्स आप नंबर ऑफ नोट्स को कंसिडर कर सकते हो तो इस लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट आएगी थ्री के लेफ्ट सब ट्री की दैट वुड बी टू इट मीन्स लेफ्ट साइड से इस थ्री को रिटर्न होगा टू के इसके थ्री के जो लेफ्ट में है वो हाइट उसकी ट्री है ट्री की टू है और अगर आप राइट साइड के ट्री की बात करो तो राइट साइड के मैक्सिमम क्या है अब देखो राइट साइड के जो सब ट्री है उसमें लेफ्ट में भी कुछ नोट्स है राइट में भी कुछ नोट्स है बट हमें मैक्सिमम ऑफ दीज टू लेना है तो मैक्सिमम कितना जाएगा मैक्सिमम कितना जाएगा तीन ठीक है तो इस इस हाइट इस सब ट्री की हाइट टू है लेकिन इस वाले पाथ की हाइट तीन है तो मैक्सिमम इस थ्री इसका मतलब थ्री के जो लेफ्ट में सब ट्री है उसकी हाइट आ रही है टू और थ्री के जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट आ रही है तीन तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो सो तीन प्लस दो और एक रूट नोड इट्स तो दैट वुड बी द डायमीटर तो टू प्लस थ्री और एक रूट no, नोड को आप अलग से काउंट करोगे तो इट वुड बिकम सिक्स इट वुड बिकम सिक्स बट देखो नो डाउट इट इट इज सिंपल एज दैट इतना ही सिंपल है ये क्वेश्चन ठीक है तो बेसिकली बट प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि जो आपके पास डायमीटर होगी बाइनरी ट्री की वो यहीं से पास होगी रूट नोड से ही पास होगी ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिस केस में जो डायामीटर होगी ट्री, ट्री की वो रूट नोड से पास नहीं होगी वो रूट नोड से पास नहीं होगी ठीक है तो आप समझने की कोशिश करिएगा मान लो अगर कुछ ऐसा ट्री होता मान लो इस इस ट्री के लेफ्ट में बहुत सारी नोड्स हैं हमारे पास इस नोड के राइट में बहुत सारी नोड्स हैं नीचे और टू के राइट में भी नोड्स है बट चार पाँच नोड्स है लेट से बट फोर के और फोर के लेफ्ट में और फोर के राइट में बहुत सारा सारा सब ट्री है ठीक है मतलब बहुत सारी सारी नोट्स सा, हैं आप बहुत सारी नोट्स मान सकते हो वहाँ पे बहुत सारी नोट्स सा, है ठीक नोट है right काफ़ी सारी नोट्स हैं फोर के लेफ्ट में फोर के राइट में काफ़ी सारी नोट्स है टू के राइट में कम नोट्स है राइट तो ऐसे केस में आप ध्यान से देखिएगा आप, आप इसको 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 नहीं कंसिडर कर सकते आप इस वाले पाथ को कंसिडर नहीं कर सकते दिस इज़ नॉट द डायमीटर ये डायमीटर नहीं है ठीक है मान लो इस इसमें इस, इस वाले पाथ में लेट से कुछ एक्स नंबर ऑफ नोट्स अवेलेबल है लेकिन अगर आप इस पाथ को कंसिडर करो अगर आप इस पाथ को कंसिडर करो दिस वन तो लेट्स से इसमें कुछ एक्स प्लस वाई नोट्स अवेलेबल है ठीक है इसमें कुछ एक्स प्लस वाई नोट्स अवेलेबल है तो डायमीटर क्या हुई डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट पाथ लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन द टू एंड नोट्स बिटवीन द टू एंड नोट्स ठीक है तो यहाँ पे जो एंड नोट थी यहाँ पे जो एंड नोट थी ठीक है तो वो आपको x नंबर ऑफ नोट्स दे रहा था लेकिन जो ग्रीन वाला पाथ है इन ग्रीन वाली नोट्स के बीच में जो पाथ है वो आपको एक्स प्लस वाई नंबर ऑफ नोट्स दे रहा है वो आपको प्लस नंबर वाई नंबर ऑफ नोट दे रहा है तो व्हाट इज़ द डायमीटर डायमीटर इज इज दिस वन तो इस केस में क्या वो चीज़ वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो फो सिनेरियो एप्लीकेबल हो पाएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टू टू नोड की बात कर रहे थे तो आप टू नोड पे क्या बोलोगे कि लेफ्ट साइड से हाइट कैलकुलेट करके लाओ फिर राइट right साइड से हेलकुलेट हाइट कैलकुलेट करके लाओ जो लेफ्ट साइड से आंसर आया प्लस राइट साइड राइट साइड से आंसर आया उसमें आप प्लस वन कर दे रहे हो तो दैट इज नॉट द केस ये केस अवेलेबल नहीं है ठीक है तो बेसिकली हमें करना क्या होगा हम हर पॉइंट इन टाइम पे जब भी हम किसी नोड पे जाएंगे हम उस नोड पे डायमीटर कैलकुलेट करेंगे हम उस नोड पे डायमीटर अपनी कैलकुलेट करने वाले होंगे ठीक है तो ये इसका सिंपल सा एक रूल है कि मीन्स हम सिर्फ रूट नोड से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई लेफ्ट की हाइट कैलकुलेट करके लाओ राइट right की हाइट कैलकुलेट करके लाओ और प्लस वन कर दो इट इज़ नॉट इनफ हमें ये काम हर नोड पे करना होगा ठीक है जब भी हम किसी भी नोड पे जाएंगे चाहे हम इस नोड पे जाए चाहे हम इस नोड पे जाए चाहे हम इस नोड पे जाए कहीं पे भी किसी भी नोड पे हमें ये काम हर एक नोड पे करना होगा कि हम कुछ लेफ्ट साइड की हाइट कैलकुलेट करके लाएंगे राइट साइड की हाइट कैलकुलेट करके लाएंगे दोनों को ऐड करेंगे और प्लस वन करेंगे ठीक है तो बट दैट विल बी माई टेम्प्रेरी आंसर वो टेम्प्रेरी आंसर अपडेट होता रहेगा है ना वो टेम्प्ररी आंसर अपडेट हो रहेगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करिएगा ठीक है तो ये वाला एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं ठीक है तो बेसिकली आप करोगे क्या मान लो आप सबसे पहले इस वन वाली नोड पे हो वन नोड की बात कर लेते हैं ठीक है जैसे आप वन नोड पे हो तो वन नोड पे आप हाइट कैलकुलेट करो कितनी आएगी देखो वन से वन की जो वन पे जो लेफ़्ट से हाइट आएगी दैट वुड बी जीरो वन से जो वन से जो राइट right से हाइट आएगी दैट वुड बी ज़ीरो तो जीरो प्लस जीरो एंड एक वन नोड इट्स सेल्फ भाई वन नोड को भी तो इट सेल्फ आप काउंट करोगे तभी तो डायमीटर बनेगी है ना तो कितना जाएगा टोटल तो मैं डायमीटर एक यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ ठीक है तो इसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कराते चलेंगे तो मेरे पास डायमीटर आई जीरो अपडेट कर दिया जीरो लेकिन एक चीज भी हम करेंगे हम एक काम करेंगे कि जो वन की जो टॉप नोड है वन की जो पेरेंट नोड है उसको हम एक चीज भेजेंगे क्या भेजेंगे हम ऐसा ज्यूम करेंगे कि वन पे जो डायमीटर हमने कैलकुलेट करी आप इस चीज इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा कि वन पे जो हमने लेट से आंसर कैलकुलेट करा डायमीटर वो जीरो आई सॉरी वो जीरो नहीं वन आएगी ठीक है जीरो प्लस जीरो प्लस वन लेट से वो वन आया आंसर दैट इज फाइन परफेक्टली फाइन पर ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि डायमीटर वन से ही पास हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है डायमीटर वन पे वन से पास हो ये एक पॉसिबिलिटी है कि हमने वन जब हम वन पे थे तो मैंने वन पे डायमीटर कैलकुलेट कर लिया दैट इज़ दी वन पॉसिबिलिटी बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायमीटर ये ही वाली हो डायमीटर डायमीटर ये हो ऐसा ज़रूरी नहीं है तो हम क्या करेंगे हम इस टू को एक बहुत शानदार चीज़ भेजेंगे क्या भेजेंगे कि हम इस टू को ये इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि इस टू के जो लेफ़्ट पार्ट है इस टू का जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है लेफ्ट सब ट्री की ठीक है तो वो क्या होगी वो होगी मैक्सिमम ऑफ वन पे जब आप थे तो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट कोमा राइट हाइट है ना आप ये इंफॉर्मेशन टू को भेजोगे क्योंकि टू को भी तो लेफ्ट साइड से मैक्सिमम हाइट चाहिए होगी भाई जब आप टू पे डायमीटर कंसिडर करोगे लेट से फॉर एग्जाम्पल जब आप इस टू के लिए डायमीटर ये वाली कंसिडर करने की कोशिश करोगे तो इस टू को एक इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होगी ना कौन सन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि इसके लेफ्ट साइड की मैक्सिमम हाइट कितनी है सिर्फ लेफ्ट ट्री की तो वो लेफ्ट सफ्ट लेफ्ट ट्री की आपको कौन देगा वैल्यू कौन देगा आपको ये वन देगा क्योंकि वन ने भी तो कैलकुलेट करी अपने लेफ्ट और राइट right की मैक्सिमम वैल्यू तो जब इस वन ने अपने राइट right और लेफ्ट से मैक्सिमम वैल्यू कंटेन फाइंड आउट करी है तो वो लेफ्ट और राइट फाइंड आउट करा होगा कुछ लेफ्ट से आंसर आएगा कुछ राइट right से आंसर आएगा इसमें प्लस वन करके इसमें प्लस वन करके अगर आप वो इन्फॉर्मेशन इस टू को भेज देते हो तो वो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो ये होगी कि टू के जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी है उसकी हाइट है आपके पास जो भी आंसर आएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में वन के लेफ्ट से कितना आंसर आया ज़ीरो राइट right से कितना है आंसर जीरो 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 को आपने मैक्सिमम निकाला जीरो आएगा और प्लस वन तो आपने इस टू को भेज दिया वन तो बेसिकली हुआ क्या मैं समअप करता हूँ इस चीज़ को बेसिकली हुआ क्या जब आप वन पे थे तो आपने वन के लिए डायमीटर कैलकुलेट करा जो क्या है वन बट दैट इज़ नॉट द पॉसिबिलिटी वो पॉसिबिलिटी नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि डायमीटर हमेशा बनी आए इस एग्जाम्पल के लिए डायमीटर बनी आए तो आपने एक और दिमाग लगाया सोचा कि साथ के साथ हम एक चीज़ और करते हैं इस टू को अपने लेफ्ट सब ट्री की इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं ठीक है कि भाई टू जो है टू को भी तो ज़रूरत होगी टू भी तो डायमीटर कैलकुलेट करेगा अपने लिए तो जब टू डायमीटर अपने लिए कैलकुलेट करेगा तो वो हम ऑलरेडी जो कर चुके हैं वन के लिए उसी में एक प्लस वन करके भेज रहे हैं कि तुम अपने लेफ्ट हाइट का और राइट हाइट का मैक्सिमम फाइंड आउट करो मैक्सिमम फाइंड आउट करो और तुम उसमें प्लस वन करके भेज दो वो टू के लिए हाइट कंसिडर होगी ठीक है वो टू के लिए हाइट कंसिडर होगी ठीक है तो ये इन्फॉर्मेशन है बेसिकली जैसे मैं आप इसका मैक्सिमम क्यों निकाल रहे हैं आप समझने की कोशिश करना जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आप सेवन पे हो आप एक सेकंड के लिए कंसीडर करो कि आप सेवन पे हो और मैं आपसे सेवन की लेफ्ट सब ट्री की हाइट पूछूं तो कितना आएगा भाई आपने इस टू पे जो लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करी होगी और इस टू पे जो राइट हाइट हाइट कैलकुलेट करी होगी उसका मैक्सिमम होगा ना इस टू पे जब आपने लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करी होगी तो इसका आंसर आएगा वन और राइट साइड से जो हाइट कैलकुलेट करोगे उसका आंसर आएगा टू क्योंकि टू के नीचे राइट साइड में दो नोड्स हैं मैक्सिमम टू के लेफ्ट में मैक्सिमम नोड वन है तो आंसर जो होगा आंसर जो होगा इन दोनों का मैक्सिमम प्लस वन ही तो होगा भाई टू के राइट में मैक्सिमम कितना है टू तो के राइट में मैक्सिमम है टू टू के राइट में हाइट है टू टू के लेफ्ट में हाइट है वन तो वन और टू का मैक्सिमम होगा टू तो टू प्लस वन फाइनली प्लस वन क्यों कर रहे हैं इस टू नोड को भी तो ऐड करेंगे तो वो सेवन के लिए इसके लेफ्ट साइड की लेफ्ट नोड की मैक्सिमम हाइट हो जाएगी ठीक है दैट इज बाय वी आर डूइंग दिस तो हम दो चीज़ें कर रहे हैं एक पॉइंट इन टाइम पे एक तो डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं करंट नोड के लिए और उस करंट नोड की जो पेरेंट नोड है उसके लिए हम उसको आंसर भेज रहे हैं कि ठीक है हमने तो अपनी डायमीटर कैलकुलेट कर ली बट आगे इन फ्यूचर में तुम्हें भी लेफ्ट हाइड की जरूरत पड़ेगी अपनी लेफ्ट हाइड की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं आंसर तुम्हें भेज दे रहा हूँ ठीक है चलिए ठीक है तो अभी क्या है कि वापस से वहीं पर पहुँचते और करते हैं इसको ठीक है तो टू को कितना आंसर मिला लेफ्ट साइड से वन आंसर मिला ठीक है चलिए फाइन अब क्या है कि टू अब अब अपनी राइट साइड की हाइट कैलकुलेट करेगा देखो करेंगे ये लोग भी करेंगे ये लोग भी इसने भी अपने लेफ्ट से हाइट कैलकुलेट करा होगा तो इसको भी आंसर वन मिला होगा यहां पे भाई जीरो इधर से मिला होगा जीरो इधर से मिला होगा तो इसके लिए भी डायमीटर कितनी आएगी वन बट वो अपडेट नहीं होगी बट वो अपडेट नहीं होगी ठीक है पर पर फिर क्या करेगा ये ट्वेल्व अपने नाइन को भेजेगा कि इस नाइन के लेफ्ट सप, लेफ्ट पार्ट की जो हाइट है वो है वन मैक्सिमम ठीक है और अब ये नाइन अपने राइट से कैलकुलेट करेगा दैट वुड बी जीरो दैट वुड बी जीरो तो यहां पे जो डायमीटर आएगी इस नाइन के लिए वो आ जाएगी वन प्लस जीरो लेफ्ट प्लस राइट और प्लस करंट रोड ठीक है तो मीन्स ईच टाइम यू विल फाइंड द डायमीटर तो इस नाइन के लिए डायमीटर कितनी आ जाएगी टू आ जाएगी क्योंकि डायमीटर ये होगी इस टू नाइन के लिए ठीक है ये होगी और डायमीटर कितनी है नंबर ऑफ नोट्स कितनी है वन और टू तो नाइन के लिए कितना जाएगी? Two आ जाएगी डायमीटर टू आ जाएगी ठीक है तो इट मींस अब नाइन ने नाइन के पास जो डायमीटर है दैट इज टू ठीक है तो अब क्या होगा देखो नाइन बेसिकली इसको हाइट भेजेगा वो भेजेगा अपनी हाइट तो नाइन के लेफ्ट साइड से आंसर कितना मिला था वन नाइन के राइट साइड से आंसर कितना मिला जीरो तो वन और ज़ीरो का आप मैक्सिमम निकालोगे कितना आएगा वन और प्लस करोगे वन तो कितना आंसर आ जाएगा टू इट मीन्स दिस टू नाइन विल सेंड द आंसर टू टू दिस टू ठीक है ठीक है अब देखो सेम चीज़ हमें टू पे भी करनी है अब टू के लिए हमने लेफ्ट हाइट निकाल ली राइट right हाइट निकाल ली अब हमें डायमीटर कैलकुलेट करनी है तो डायमीटर कौन सी होगी टू के लिए ये पूरी और ये कैसे भी निकलेगी डायमीटर जो भी लेफ्ट साइड जो भी इसकी लेफ्ट हाइट है वो जो भी इसकी राइट right हाइट है वो प्लस वन तो दो चीज़ें हम बेसिकली निकाल रहे हैं हम दो चीज़ें निकाल रहे हैं एक तो डायमीटर निकाल रहे हैं तो डायमीटर किस फॉर्मूले से आ रही है डायमीटर आ रही है जो भी आपके पास लेफ्ट हाइट आई लेफ्ट हाइट प्लस जो भी आपके पास राइट हाइट आई और प्लस वन ये तो आपके पास आ रही आ रही है डायमीटर बट ईच टाइम ईच टाइम यू आर सेंडिंग वन मोर इन्फॉर्मेशन ठीक है आप करंट नोड के लिए करंट नोड की जो पेरेंट नोड है उसको आप आंसर भेज रहे हो कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम यूजिंग दिस फॉर्मूला मैंने अपनी डायमीटर तो कैलकुलेट कर ली जैसे कि टू है टू ने अपनी डायमीटर तो कैलकुलेट कर ली कितनी कितनी आएगी डायमीटर निकाल लेते हैं कितनी आएगी भाई वन लेफ्ट हाइट टू राइट हाइट और प्लस वन तो कितनी आएगी तीन तो सॉरी चार और चार कैसे आएगी ये वाली देखो नंबर ऑफ नोट वन टू नाइन एंड ट्वेल्व तो नंबर ऑफ नोट आ गई चार तो इसलिए इसकी हाइट आई कितनी चार तो इस फॉर्मूले से इसने टू ने अपनी हाइट तो निकाल ली चार लेकिन लेकिन समझना ध्यान से इस सेवन नोड के लिए भाई इस सेवन नोड को भी तो जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम हाइट निकालने की इस सेवन नोड को भी तो जरूरत पड़ेगी अब ना मैक्स मैक् डायमीटर निकालने की तो ये सेवन नोड कैसे डायमीटर निकालेगा ये सेवन नोड डायमीटर तब निकाल पाएगा जब इसको अपनी लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम हाइट पता चले और राइट सब ट्री की मैक्सिमम हाइट पता चले और फिर उसमें वो अपने आप को वन को ऐड कर लेगा तब वो अपने डायमीटर निकाल पाएगा तो ये टू क्या करेगा ये टू अपने लेफ्ट की और अपने राइट right की मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा मतलब वन और टू की मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा और उसमें प्लस वन करके इस सेवन को भेज देगा कि ये है भाई साहब आपके पास लेफ्ट लेफ्ट ट्री की हाइट तो वो कितनी आएगी टू प्लस वन थ्री देखो थ्री आ रही है कि नहीं आ रही मैक्सिमम हाइट कौन सी है सेवन के लेफ्ट सब ट्री ये है क्या है इस मैक्सिमम हाइट ये वाली है कि ये वाली है ऑब्वियसली ये वाली है टू नाइन ट्वेल्व वाला बात तो थ्री उसने हाइट उसको रिटर्न कर दी अब सेवन अपने राइट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट करेगा वाई की जीरो वाई की जीरो तो थ्री प्लस जीरो लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस वन तो कितना आंसर आ जाएगा फिर से फोर आ जाएगा बट फोर अपडेट नहीं होगा तो मीन्स जो अभी तक की हा, सब डायमीटर थी मैक्सिमम वो ये वाली है ठीक है चलिए फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास क्या करेगा अब हम अब हमारे पास जो सेवन पे जो डायमीटर है वो भी फोर है ठीक है वो भी फोर है ठीक अब देखो फाइव की बात करते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फाइव अब इस फाइव पे बात करते हैं अब ये फाइव देखो सेवन ये सेवन ने अपने डायमीटर निकाल ली वो भी फोर आई उसकी लेकिन ये सेवन एक काम और करेगा क्या करेगा सेवन बोलेगा कि देखो मेरे पास मेरे पास लेफ्ट साइड से जो हाइट आई थी वो आई थी थ्री और राइट right साइड से जो हाइट आई थी वो आई थी जीरो तो मैं उसमें प्लस वन करके भेजता हूँ क्यों क्योंकि वो मेरे पास इस फाइव के लिए मैक्सिमम हाइट होगी लेफ्ट साइड से ठीक है तो थ्री लेफ्ट साइड से आंसर आया था सेवन के ठीक है ये थ्री लेफ्ट साइड से आंसर आया था जीरो राइट साइड से आंसर आया था मैक्सिमम इन कौन है थ्री और प्लस वन वो खुद को अपने आप को इंक्लूड करेगा कि फाइव के लिए जो लेफ्ट सब ट्री के अंदर जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कौन कौन सी होगी वो कौन कौन सी नोड होगी थोड़ा डार्क करके लिख देता हूं ठीक है वो कौन सी नोड होगी एक तो ये वाली नोड एक ये वाली नोड एक ये वाली नोड और एक ये वाली नोड ठीक है तो ये चार नोड होगी तो इसलिए उसने क्या भेजा थ्री प्लस वन थ्री और जीरो का मैक्सिमम प्लस वन फाइव के लिए उसने अपने लेफ्ट साइड की लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम हाइट भेज दी नाउ वॉट दिस फाइव विल डू इज वो फाइव अपने राइट right साइड से भी कैलकुलेट करेगा ठीक है तो राइट right साइड से बेसिकली हर एक नोड कैलकुलेट करेगी ये भी करेगी ये भी करेगी इसको यहाँ से जीरो मिलेगा इसको यहाँ से जीरो मिलेगा फिर वो अपने डायमीटर कैलकुलेट करेगा वो आ जाएगी वन डायमीटर माना जाएगी इसके लिए भी इलेवन भी अपने लिए क्या करेगा लेफ्ट साइड से हाइट कैलकुलेट करेगा राइट साइड से हाइट हाइट कैलकुलेट करेगा प्लस वन करेगा डायमीटर इसके लिए भी आ जाएगी वन है ना अच्छा अब ये बट इलेवन ये क्या करेगा इलेवन इस टेन को बोलेगा कि मैं आप तुम्हें अपने लेफ्ट सब ट्री की हाइट बताता हूँ मैक्सिमम तो जीरो लेफ्ट साइड से कितना मिला था जीरो राइट साइड से कितना मिला था जीरो प्लस वन करेगा तो मीन्स ये भेजेगा इसको वन कहेगा कि भाई साहब टेन आपके लिए जो लेफ्ट साइड सब ट्री की जो मैक्सिमम हाइट है वो है वन ठीक है आपके लेफ्ट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है ए की तरफ वो वन प्रेजेंट है सिमिलरली ये सिक्स इस टेन को भी भेजेगा कि क्या बोलेगा कि आपके जो राइट right में जो हाइट प्रेजेंट है मैक्सिमम वो कितनी प्रेजेंट है आपके लेफ्ट से जीरो आ रहा है राइट right से ज़ीरो आ रहा है मैक्सिमम ऑफ दिस टू जीरो प्लस वन वो खुद को काउंट करके भेजेगा वन तो टेन को इलेवन ने बोला कि मेरे लेफ्ट साइड से आंसर आ रहा है वन सिक्स ने टेन को बोला मेरे मतलब आपके राइट right साइड से आ रहा है आंसर वन राइट साइड में इट्स मैक्मम हाइट आपके वन प्रेजेंट है तो अब टेन अपने डायमीटर कैलकुलेट कर सकता है कैसे करेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस वन तो लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट टू और टू प्लस वन खुद को ऐड करेगा तो कितनी आ जाएगी टू इट मींस टेन पे भी जो डायमीटर आई वो टू बट अभी तक की कि मैक्सिमम कितनी है डायमीटर फोर जो कि हम कैलकुलेट कर चुके ठीक है जो कि हम कैलकुलेट कर चुके फाइन ठीक है अब देखो अब बट ये टेन क्या करेगा अभी टेन बोलेगा कि इस एट को इसकी राइट सब ट्री की हाइट बता देते हैं तो कैसे बताएगा इसके लेफ्ट में जो हाइट आई मैक्सिमम वो कितनी थी वन टेन के राइट right में मैक्सिमम हाइट कितनी थी वन वन और वन का मैक्सिमम कौन है वन ही है और प्लस वो खुद को काउंट करेगा कि ठीक है इस एट के जो राइट right साइड में जो मैक्सिमम हाइट प्रेजेंट है वो है टू मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट फॉर दिस टेन वैल्यू मैक्सिमम ऑफ राइट फॉर दिस टेन वैल्यू तो दोनों का मैक्सिमम आ जाएगा वन और वन और खुद को ऐड करेगा वन तो ये आंसर भेजेगा इसको टू हाइट भेजेगा बेसिकली ठीक है अब ये एट अपने लेफ्ट से कैल मतलब बेसिकली देखो लेफ्ट और राइट्स में ऑर्डर में चल रही होंगी वैल्यूज मैं आपको जनरली कहीं से भी करके दिखा रहा हूँ ठीक है मैं बेसिकली आपको ये जनरलाइज कर, करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं वैसे तो सब अगर नहीं तो सबसे पहले तो इस थ्री के लेफ्ट साइड से पूरे प्रोसेसिंग शुरू होती ठीक है लेकिन मैंने शुरू यहाँ से किया बिकॉज मैं आपको जस्ट मैं फेमिलियर करवा रहा हूँ क्वेश्चन के ठीक है तो अब ये एट क्या करेगा ये एट अपने लेफ्ट से कैलकुलेट करेगा हाइट कितनी आ रही है जीरो ठीक है तो अब क्योंकि एट को लेफ्ट साइड से भी मिल गई हाइट राइट right साइड में मिल गई टू तो डायमीटर निकाल सकता कितने right one, तो कितने है डायमीटर कितना जाएगी लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस वन तो डायमीटर कितनी आई थ्री बट डायमीटर हमारे पास ऑलरेडी फोर है तो अपडेट नहीं करेंगे ठीक है तो लेकिन अब ये एट ये बोलेगा कि देखो मैं फाइव को एक काम करता हूँ इसके राइट सब ट्री की मैक्सिमम हाइट दे देता हूँ मैं इसके राइट सब ट्री की मैक्सिमम हाइट दे देता हूँ तो कितनी देगा हाइट ये देखो एट को जो मैक्सिमम हाइट मिल रही थी राइट सब ट्री से वो कितनी मिल रही थी देखो ध्यान से टू मिल रही थी और लेफ्ट से मिल रही थी टू जीरो तो जीरो और टू का मैक्सिमम कितना है टू और वो खुद को अपने आप को काउंट करेगा तो ये देगा तीन इसको फाइव को कितनी मिल रही थी फाइव को हाइट मिल रही थी सेवन देखो सेवन को मिल रहा था लेफ्ट से तीन राइट right से मिल रहा था जीरो तो थ्री प्लस वन तो जो सेवन जो सेवन फाइव को एक्चुअली हाइट uh, दे रहा था लेफ़्ट से वो दे रहा था फोर ठीक है अब तुम अगर ध्यान से देखो फाइव के लिए तो फाइव के लिए हमें लेफ़्ट से हाइट मिली चार और राइट right से हाइट मिली हमें तीन तो चार प्लस तीन चार प्लस तीन और प्लस वन प्लस वन वो खुद कर करेगा तो मैक्सिमम हाइट डायमीटर कितनी आ गई एट तो ये फोर से अपडेट हो जाएगा एट ठीक है और एक्चुअल में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए जो इसका आ, बेसिकली डायमीटर होने वाला है वो होने भी यही वाला है ठीक है वो डायमीटर भी आपके पास यही होने वाला है नंबर ऑफ नोट्स कितने आ उसके अंदर एट आप ध्यान से देख सकते हो एक दो तीन चार पाँच छ सात एंड आठ है। कैलकुलेट है? तो करते तो आपको कितना मिलता सिर्फ वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स आपको मैक्सिमम मिल पाता बट एक्चुअल में आंसर जो है वो ये है ये वाला पाथ है दिस इज पाथ ठीक है तो बेसिकली हम दो चीजें कर रहे हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट नोड के लिए हम डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं एज अ टेम्प्रेरी आंसर करंट नोड के लिए हम डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं एज अ टेम्प्रेरी आंसर और वो हर बार अपडेट होता रहेगा मैक्सिमम के हिसाब से बट फॉर दी फॉर दी नोड जिसने करंट नोड को कॉल किया था उसको हम लेफ़्ट और राइट का प्लस वन करके मैक्सिमम आंसर भी भेज रहे हैं कि ठीक है हमने तो करंट नोड के लिए डायमीटर निकाल लिया बट इन फ्यूचर आपको भी जरूरत पड़ने वाली है किसकी लेफ्ट हाइट की तो हम आपको अपनी साइड से अपना काम करके दे रहे हैं लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करके दे दे रहे हैं ठीक है तो अगर मैं इसको इसको अगर मैं समअप करने की कोशिश करूँ तो बेसिकली हम दो चीज़ें हम दो चीज़ें इसमें समझने की कोशिश कर सकते हैं पहला जो पॉइंट है वो ये है कि वी आर गोइंग टू टेक अ डायमीटर वेरिएबल हम एक डायमीटर वेरिएबल लेंगे जो कि ग्लोबल होगा ठीक है और इट विल कीप ऑन अपडेटिंग तो ये कुछ ऐसे होगा ये मैक्सिमम कैलकुलेट करेगा किसका पुरानी डायमीटर का जो हमारे पास पुरानी डायमीटर होगी ठीक है और जो भी हमारे पास लेफ्ट हाइट आएगी प्लस राइट हाइट आएगी और उसमें प्लस वन करेगा भाई करंट नोड के लिए डायमीटर जो होगी वो तो यही होगी ना मान लो अगर कोई नोड है उसके लिए लेफ्ट से जो आंसर आया राइट से जो आंसर आया तो लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट और प्लस खुद ये करेगा तभी तो डायमीटर कैलकुलेट करोगे आप करंट नोड के लिए तो ये तो हो जाएगा इस चीज़ के लिए आंसर ठीक है पर फाइन ये तो आ गया आपके पास आंसर लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि ये तो आपने टेम्प्रेरी आंसर कैलकुलेट कर लिया ठीक है पर आप एक चीज़ रिटर्न भी करोगे रिटर्न क्या करोगे आप रिटर्न करोगे उस नोड को जिसने इसको कॉल किया था अभी आप जिस करंट नोड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो उस नोड पे जिसने फंक्शन कॉल किया था डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए आप उसको क्या कॉल करो आप उसको क्या भेजोगे आप उसको हाइट भेजोगे कि ठीक है अभी मैंने टेंप्रेरी आंसर तो नोड के लिए कैलकुलेट कर लिया है बट मैं तुझे फिर भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपनी साइड से हाइट भेज दे रहा हूँ सो दैट कि तुझे फिर से कैलकुलेट ना करनी पड़े हाइट ठीक है तो तू उसको यूज कर लेना ठीक है क्योंकि डायमीटर तुझे भी निकालनी पड़ेगी तो हम क्या भेजेंगे हम भेजेंगे रिटर्न कर देना यहां से क्या रिटर्न करेंगे मैक्स ऑफ जो भी मैक्स आएगा लेफ्ट हाइट का और राइट हाइट का तो मान लो अगर ये नोड थी ठीक है ये आप ये नोड थी जिसने अपने राइट वाली नोड के लिए कैलकुलेट किया डायमीटर के लिए ठीक है तो ये वाली नोड पे हमने डायमीटर कैलकुलेट करी किस फॉर्मूले से जो भी इसके लिए लेफ्ट हाइट आई जो भी इसके लिए राइट हाइट आई, आई तो लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस ये वाली नोड तो ये इस नोड के लिए आ गई डायमीटर इस करंट नोड के लिए इस वाली नोड के लिए डायमीटर आ गई ठीक है मींस ब्लू वाली नोड के लिए डायमीटर आ गई ठीक है बट ये ब्लू वाली नोड बोलेगी अपनी पेरेंट वाली नोड को कि ठीक है मैंने तो अपने लिए डायमीटर कैलकुलेट कर लिया एज अ टेम्प्रेरी आंसर ठीक है बट तुझे भी करना चाहिए तुझे तुझे भी जरूरत पड़ेगी डायमीटर कैलकुलेट करने की तो तो वो क्या कर रही है ये ब्लू वाली नोड क्या कर रही है ये इसको यहीं से मैक्सिमम आंसर भेज रही है इसकी लेफ्ट साइड से जो भी इसके लिए हाइट होगी तो कितनी हाइट हो सकती है भाई जो भी लेफ्ट हाइट आई वो और जो भी राइट right हाइट आई वो उन दोनों का मैक्सिमम जो भी होगा है ना क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसके लेफ्ट में दो ही नोड प्रेजेंट हो बट राइट right में इसके चार पांच नोड प्रेजेंट हो तो उस केस में जो हाइट होगी इस वाली नोड के लिए जो लेफ्ट साइड की हाइट होगी वो ये वाली हाइट होगी ना कि ये वाली तो वो इसलिए क्या करता है मैक्स निकालता है लेफ्ट हाइट का और राइट right हाइट का और करंट नोड खुद को अपनी प्लस वन करके भेज देगा खुद को प्लस वन करके भेज देगा ठीक है तो दैट इज दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू डू ये दो चीज़ें हमें करनी है ठीक है तो बेसिकली हम हाइट एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम डायमीटर कैलकुलेट करेंगे और हाइट भेजते रहेंगे बार बार ठीक है तो मैं फाइनली आपको कोड दिखाता हूँ सिंपल सा कोड है बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कोड के अंदर तो देखते हैं इसका कोड ठीक है तो बेसिकली देखो सबसे पहले हमने क्या किया हमने ये हाइट फाइन डायमीटर नाम का फंक्शन है उसको हमने कॉल किया रूट नोड पे तो ये फंक्शन कहाँ पे जाएगा ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ आप देख सकते हो डायमीटर पे यहाँ पे कॉल हुआ फाइन डायमीटर पे इसने रूट नोड को एक्सेप्ट किया अब देखो सिंपली ये फाइंड हाइट नाम का एक फंक्शन कॉल कर रहा है जो सारी जॉब करके ला के दे देगा एंड फाइनली वी आर रिटर्निंग द डायमीटर तो डायमीटर नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया जो कि इनिशियली जीरो है ठीक है क्योंकि इसको बार 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 मैक्सिमम हमें अपडेट करना है ठीक है तो ये फाइंड हाइट नाम का फंक्शन देखते हैं ये क्या करेगा ठीक है इस फाइंड हाइट नाम के फंक्शन को देखते हैं कि ये क्या करेगा तो ये जो भी करेगा उसको हम देख लेते हैं और जो भी वो आंसर रिटर्न करेगा दैट वुड बी आर आंसर ठीक है तो देखते हैं कैसे आंसर करेगा रिटर्न करेगा तो देखो तो वो चेक करता है करंट नोड के लिए है ना करंट नोड के लिए चेक करता है अब देखो उसने क्या किया लेफ्ट हाइट और राइट हाइट कैलकुलेट कर ली इस करंट रूट के लिए तो मान लो अगर ये आपके पास रूट नोड थी और यहाँ पे कुछ ट्री था और यहाँ पे कुछ ट्री था ठीक है और मान लो इसके ऊपर भी एक कोई नोड है यहाँ पे भी कुछ ट्री है तो मान लो मैं इसकी बात करता हूँ कि करंटली आपको जो नोड मिली वो रूट नोड ये है इसने क्या किया आपने राइट right साइड से फंक्शन कैलकुलेट करा राइट right साइड से फंक्शन कैलकुलेट करा लेफ़्ट से और राइट right से लेफ्ट से इसको आंसर मिला लेफ्ट हाइट और राइट right से आंसर इसको मिला लेफ्ट राइट हाइट ये दो फीच ये दो वैल्यूज आपको ये बता रही है तो अभी जो जो ये रूट नोड मिली मान लो ये वाली ये नोड है ये वाली नोड है तो इसको लेफ्ट साइड से इसने आंसर कैलकुलेट किया इसने अपने राइट right साइड से आंसर कैलकुलेट किया दोनों साइड से इसने आंसर कैलकुलेट किया लेफ्ट से इसको मिला लेफ्ट हाइट राइट से मिला इसको राइट right हाइट तो इसने क्या किया पहले करंट डायमीटर कैलकुलेट करी करंट डायमीटर तो इस नोड के लिए इस नोड के लिए करंट डायमीटर कितनी आ जाएगी लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस वन है ना तो ये आपके पास आई तो कुछ डायमीटर ही है ना तो वो जो डायमीटर नाम का वेरिएबल था आपने उसमें पहले इसको अपडेट किया क्या अपडेट किया कि करंट डायमीटर जो भी आई और पुरानी जो डायमीटर है उन दोनों का जो भी मैक्सिमम है वो हमारे पास डायमीटर हो जाएगी ठीक है टेम्प्रेरी है आंसर हमें पता है ये आंसर टेम्प्रेरी है हो सकता है फ्यूचर में जाकर के चेंज हो जाए ठीक है दैट इज़ पॉसिबिलिटी तो इसने यहाँ तक इसका काम ख़त्म कि ठीक है जो भी मेरे पास आंसर था मैंने डायमीटर कैलकुलेट कर लिया पर एक्चुअल में ये वाली जो रूट नोड है ये जो आपको मिली ये ये बोलती है कि मैं अपनी भाई देखो इसी ने तो इसको कॉल किया होगा देखो ध्यान से भाई रूट नोड ने रूट के लेफ्ट और राइट में कॉल किया होगा तो ये जब रूट रही होगी तो इसने अपने लेफ्ट में कॉल किया होगा ना तो उस लेफ्ट ने या, ये काम किया ऐसा ज्यूम कर लो आप उस लेफ्ट नोड ने ये वाला काम किया अज्यूम करो ऐसा तो अब ये वाली नोड क्या करेगी बेसिकली ये वाली नोड जो है ये वाली नोड जो है ये वाली नोड अपनी वापस रिटर्न करते वक्त अपनी पेरेंट नोड को जिसने उसको कॉल किया था जिस नोड ने इस लेफ्ट पे कॉल किया था ये उसको क्या रिटर्न करेगी ये अपने इस लेफ्ट सबडरी का आंसर रिटर्न करेगी कि यार तुझे भी तो तुझे इस इस वाली नोड को भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना डायमीटर कैलकुलेट करने की उसको भी तो लेफ्ट और राइट हाइट से ही होगी तभी तो राइट लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस मन कर पाएगा तो ये नोड क्या करेगी ये वाली नोड क्या करेगी अपनी पेरेंट नोड को जिसने उसको कॉल किया था जिसने कॉल किया था इस वाली नोड को ये उसको क्या आंसर करेगी कि लेफ्ट हाइट से जो आंसर मिला और राइट हाइट से जो आंसर मिला उन दोनों का मैक्सिमम लो पहले और खुद को प्लस वन करके वो भेज देगी एज अ हाइट एज लेफ्ट हाइट लेफ्ट सब लेफ्ट ट्री की जो मैक्सिमम हाइट है वो इसको भेज देगी और इसी तरीके से इसको राइट right से भी मिल जाएगा आंसर है ना और फिर डायमीटर कैलकुलेट करता रहेगा तो बेसिकली जो रिकर्जन रिकर्जिव जो फंक्शंस होते हैं उसमें इंट्यूशन आना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो अगर आपको इंट्यूशन ई वाली समझ में आ रही है तो इट्स गुड अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि आप इसको एक बार फिर से देखो यू विल डेफिनेटली गेट इट ठीक है बहुत सिंपल सा लॉजिक है बहुत बिल्कुल ज़्यादा टफ लॉजिक नहीं है आप बस क्या कर रहे हो करंट नोड के लिए डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हो बट करंट नोड के लिए हो सकता है टेम्प्ररी आंसर हो इसलिए आप अपनी पेरेंट नोड को साथ के साथ मैक्सिमम भी भेज देते हो कि फॉर फ्यूचर रेफरेंस अगर आपको डायमीटर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी तो आप भी रख लो लेफ्ट हाइट आपकी जो सब ट्री का लेफ्ट सब ट्री का जो मैक्सिमम हाइट होगा वो ये होगा ठीक है तो ये इस प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा फाइनली रिकर्सिव ऑर्डर में और बस फाइनली आपके पास डायमीटर मैक्सिमम के लिए अपडेट हो जाएगी और जो भी आपके पास डायमीटर होगी वो आपका आंसर रिटर्न हो जाएगा तो अभी इस ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया हुआ है वो यही लिया हुआ है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था बड़ा सा एग्जाम्पल दिस वन तो इसमें आंसर आ रहा है हमारे पास एट तो जो आपको इसको रन करने पे जो आउटपुट आपको इसका मिलेगा तो दैट वुड बी आल्सो एट आई थिंक मुझे बाकी कोड दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज एग्जैक्टली सेम मैंने सेम प्रोसीजर किया लेफ्ट हाइट राइट हाइड कैलकुलेट किया करंट डायमीटर निकाला है और अपडेट किया और मैक्सिमम रिटर्न कर दिया है ठीक है तो आई थिंक दिस इज़ सिम्पल प्रोसीजर एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज़ इन पाइथन ऑल्सो ठीक है तो so हमने एक डायमीटर नाम का वेरिएबल लिया जिसको ग्लोबली डिक्लेयर किया जीरो एंड वी आर अपडेटिंग दैट वेरिएबल एंड फाइनली वी आर रिटर्निंग ठीक है तो आई थिंक इट्स अ सिंपल क्वेश्चन तो एक बार बढ़िया से देखेगा इसको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से एकदम एंड आई होप यूर इंजुंग द सीरीज़ और फिर फिल्म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डूइंग लॉट मोर प्रॉब्लम्स ऑन डी एंड फिर जल्दी से हम बाइनरी सर्च ट्री भी शुरू करेंगे ठीक है थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ